पर सभी इन्वेस्टर्स से मुख्यमंत्री कमलनाथ बता रहे थे क्यों मध्य प्रदेश व्यापार के लिए बेहतर है, इन्वेस्ट के लिए बेहतर है, अन्य देशों के बदल रहा है विश्व और लगातार कुछ देश अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, जैसे कंबोडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहां पर व्यापार खूब फल फूल रहा है, हमें भी इसकी कुछ टेक्निक सीखनी चाहिए और अपने देश में ये लागू करनी चाहिए और मध्य प्रदेश इस लिहाज से बहुत बेहतर है और आपको निर्णय करना है कि मध्य प्रदेश में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। रोकते अगली खबर की ओर, बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर ई टिकटों की हेराफेरी के मामले में आरपीएफ ने पार्सल सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम सिंह पांत्रा था पार्सल सुपरवाइजर, आरपीएफ ने राधेश्याम सिंह का मोबाइल और 550 रुपए जब्त किए हैं। पूर्व में आरोपी पार्सल में गांजा बुक करने के आरोप में बिलासपुर से ट्रांसफर किया गया था। अधिक जानकारी से गगन पाठक हमारे साथ जुड़ गए। गगन, क्या था पूरा मामला? हाँ, ये जो राधेश्याम सिंह है ये पहले से ही काफी जो इसका रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं रहा है रेलवे विभाग में। पहले भी ये क्या है जो गांजे की तस्करी मतलब इस तरीके से करता रहा है, पार्सल में गांजा भेज दिया करता था, इसी तरह इसका ट्रांसफर किया गया था। और इसमें यहाँ भी शिकायत थी कि छुपे रूप से जो मोबाइल है अपना उसके ये वो ई टिकटिंग जारी करता है लोगों को पास से और उसके पैसे अधिक वसूलता है। इसके कारण शिकायत के चलते ही इसका ट्रांसफर पेंडा किया गया था, लेकिन वहां भी नहीं सुधरा और वहां भी यही सब मोबाइल के माध्यम से, चूंकि अब नया जिला बन गया उधर, वहां भी ये तेजी से इस काम को कर रहा था। आरपीएफ को सूचना पहले से थी इस बारे में और आरपीएफ ने सूचना के आधार पर इसको टिकट में जो बुक करते हुए 550 रुपए रंगे हाथ पकड़ा है और इसको गिरफ्तार किया है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है आगे। चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शैलेंद्र। छत्तीसगढ़ के 27 जिला पंचायतों में आज